दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशिया वुमेन्स और बांग्लादेश वुमेन्स के बीच में जो मैच नंबर 11 खेला जाएगा एशिया कप का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से प्लेयर को कब ट्राई करके चलना है, कब ड्रॉप करके चलना है, कैसा रिकॉर्ड है इस वेन्यू पर और कैसा रिकॉर्ड है एक दूसरे के टीम के खिलाफ। देखिए, एशिया कप में पिछले जो 10 मुकाबले खेले गए उस 10 में से कम 9 मैच में हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है और इस मैच में भी करेंगे। देखिए, बांग्लादेश फेवर करके टीम क्रिएट करोगे तो आपको जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और अगर मान लीजिए बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करती है तो इसमें और भी जैकपॉट साबित हो सकता है, बट अगर पहले बॉलिंग करेगी तो थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट कम करना है। अगर पहले बैटिंग करती है तो आप इन्वेस्ट पहले बॉलिंग करती है तो इन्वेस्ट अच्छा खासा कर सकते हो। बाकी मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा तो उसका टेंशन मत लो आप। बाकी यह मैच आपको 24 जुलाई को दोपहर 2 बजे खेला जाएगा रंगगिरी डांबुला स्टेडियम में। मैं आपको पिच रिपोर्ट डिटेल में बताऊंगा आगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम मिल जाता है। देखिए, आफ्टर टॉस बहुत से चेंजेस होते हैं, लाइक प्लेइंग 11 में चेंजेस, पिच रिपोर्ट में चेंजेस, तो सब अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर ही करता हूँ, तो आप एक बार ज्वाइन कर सकते हो, चेकआउट कर लेना, वहां पर विनिंग स्क्रीनशॉट ये सब शेयर करता रहता हूँ। और लास्ट मैच में भी हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है तो जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। तो चलिए पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये डांबुला में मैच खेला जाएगा जहां का एवरेज स्कोर 138 रन है, हाईएस्ट स्कोर 201 रन 5 विकेट खोकर और लोएस्ट स्कोर 96 रन 9 विकेट खोकर बना है। बात करते हैं वेन्यू T20I स्टेटिस्टिक की, तो टोटल 11 मुकाबले इस वेन्यू पर खेले गए जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 3 और दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 8 मुकाबले जीते हैं। अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात किया जाए तो 150 के नीचे आपको 9 बार स्कोर बनाए और 150 से 169 के बीच में एक बार भी नहीं और 170 से 189 के बीच में एक बार और 190 के पार आपको एक बार स्कोर बनाया जो कि इंडिया ने स्कोर किया था। बाकी पेसर और स्पिनर्स में आपको स्पिनर्स का ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है और जनरली वुमेन्स के क्रिकेट में आपको स्पिनर्स ही बेटर करते दिखते हैं। देखिए, बांग्लादेश इसके पास क्वालिटी स्पिनर्स है तो इस मैच में काफी बेहतर करते हुए दिख सकते हैं। बाकी चलिए पिच रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं और लास्ट के 4 मैचेस का परफॉर्मेंस इस वेन्यू पर कैसा रहा था वो भी आपको बता देता हूं। तो देखिए, लास्ट मुकाबला थाईलैंड और बांग्लादेश वुमेन्स के बीच में खेला गया था जिसमें थाईलैंड वुमेन्स की टीम ने 96 रन 9 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर बांग्लादेश वुमेन्स की टीम ने 100 रन 3 विकेट खोकर 17.3 ओवरों में इस टारगेट को चेस कर लिया था जिसमें पेसर्स ने 3 तो स्पिनर्स ने 7 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला श्रीलंका वुमेन्स और मलेशिया वुमेन्स के बीच में खेला गया था जिसमें श्रीलंका वुमेन्स की टीम ने 184 रन 4 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर मलेशिया वुमेन्स की टीम ने 40 रन 10 विकेट खोकर 19.4 ओवरों में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी जिसमें पेसर्स ने 6 तो स्पिनर्स ने 8 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला नेपाल वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में खेला गया था जिसमें नेपाल वुमेन्स की टीम ने 108 रन 6 विकेट खोकर 20 ओवर में बनाए थे, वहीं पर पाकिस्तान वुमेन्स की टीम ने 110 रन 1 विकेट खोकर 11.5 ओवर में इस टारगेट को चेस कर लिया था जिसमें पेसर्स ने 1 तो स्पिनर्स ने 3 विकेट पिक किए थे। वहीं से पिछला मुकाबला इंडिया वुमेन्स और यूएई वुमेन्स के बीच में खेला गया था जिसमें इंडिया वुमेन्स की टीम ने 201 रन 5 विकेट खोकर 20 ओवर बनाए थे, वहीं पर यूएई वुमेन्स की टीम ने 123 रन 7 विकेट खोकर 20 ओवर में इस टारगेट को चेस नहीं कर पाई थी। इस मैच में पेसर्स ने 3 तो स्पिनर्स ने 7 विकेट पिक किए थे। देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग टीम बैटिंग कर रही है लाइक यहाँ से श्रीलंका वुमेन्स इंडिया वुमेन्स तो आपको एक अच्छा खासा रन स्कोर देखने को मिल रहा है, अगर वहीं पर वीक टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आपको स्कोर कम देखने को मिल रहा है। बाकी पेसर और स्पिनर्स में आपको स्पिनर्स ज्यादा बैटर करते दिख रहे हैं, पेसर्स बहुत ही मतलब रेयर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी स्पिनर्स ऑलमोस्ट हर एक मैच में आपको विकेट निकाल कर दे रहे हैं, तो स्पिनर्स को अपने टीम में प्रेफरेंस दे सकते हो और CNVC कर सकते हो। बाकी अगर बांग्लादेश वुमेन्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो 130-140 रन एक्सपेक्ट करना और अगर मलेशिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप यहाँ से 100 के अंदर ही रन एक्सपेक्ट करके चलना, इससे ज्यादा नहीं। बाकी टोटल इन दोनों टीम्स के बीच में तो 2 मुकाबले खेले गए जिसमें मलेशिया वुमेन्स की टीम ने 1 भी नहीं जीता और बांग्लादेश वुमेन्स की टीम ने दोनों को दोनों मुकाबले जीते हैं। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो 5 में से 2 मुकाबले आपको मलेशिया वुमेन्स की टीम ने जीते और 5 में से सिर्फ 1 मुकाबला आपको बांग्लादेश वुमेन्स की टीम ने जीता है, बट स्टिल इस मैच में आपको बांग्लादेश की टीम फेवर करते हुए उतरेगी इस पिच पर, तो आप अपने टीम में मैक्सिमम प्लेयर बांग्लादेश के प्लेयर्स पिक कर सकते हो। बाकी बात करते हैं बांग्लादेश की प्लेइंग 11 की, तो दिलारा अख्तर, मुर्शिदा खातून, इस्मा तंजीम, निगर सुल्ताना, रितु मोनी, स्वर्णा अख्तर, रुमाना अहमद, राबिया खान, नाहिदा अख्तर, सबिकुन नहर जैसमीर, उसके बाद मारूफा अख्तर, ये बांग्लादेश की प्लेइंग 11 हो सकती है जो कि इस मैच में खेल सकती है। इनके स्टार्टिंग ओवर आपको मारूफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, उसके बाद एस नहर जैसमीर, उधर से डेथ में बात की जाए तो मारूफा अख्तर,
राबिया खान और नाहिदा अख्तर आपको गेंदबाजी कराते दिखेंगे। देखिए ये दोनों स्पिनर्स हैं, बट डेफिनेटली इस मैच में आपको गेंदबाजी कराते डेथ में दिख सकती है, क्योंकि ये बांग्लादेश की इंपॉर्टेंट बॉलर है इस वजह से। बाकी बात कर लेते हैं बांग्लादेश वुमेन्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो देखिए बात करते हैं दिलारा अख्तर, तो 17-6-4-21-39 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर दो मैच में 23 रन 11 कैवरेज से इनका फॉर्म उतना साथ दे नहीं रहा है, तो आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके जा सकते हो, बट सामने स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है तो क्या पता आपके लिए एक अच्छा खासा रन स्कोर करके दे सकते हैं। जैसे लास्ट मैच में थाईलैंड के खिलाफ मुर्शिदा खातून ने 50 रन स्कोर किया था, फिर उसके पहले 1, फिर 9, फिर 46, फिर 13, हेड टू हेड में दो मैच खेले और दोनों में 113 रन 113 कैवरेज से स्कोर कर रखा, और वेन्यू पर एक मैच में 51 रन 51 कैवरेज से स्कोर कर रखा इन्होंने। तो इन टॉप ऑर्डर को पिक कर सकते हो अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करे तो। बाकी इस्मत तंजीम 16-0 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर भी कोई मैच नहीं खेला इन्होंने। निगर सुल्ताना DNB फिर 48, फिर 7, फिर 1, फिर 28, हेड टू हेड में एक मैच में 53 रन 53 कैवरेज से और वेन्यू पर दो मैच में 48 रन 48 कैवरेज से स्कोर कर रखा इन्होंने। ये तो अच्छी पिक रहेंगे आपके लिए, बट ये अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में डिमोट कर दिया था लास्ट मैच में, क्योंकि वो मतलब अपने अदर प्लेयर को टेस्ट कर रही थी। रितु मोनी 3 रन + 2 विकेट, 37 रन + 0 विकेट, फिर 1 रन, फिर 8 रन + 1 विकेट, फिर 20 रन, हेड टू हेड में एक मैच में 2 रन 2 कैवरेज और 0 विकेट, वहीं पर वेन्यू पर दो मैच में 12 रन 12 कैवरेज और 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। ठीक है, लास्ट मैच में इनको बैटिंग से भी प्रमोशन मिला था, इन्होंने नॉट आउट 3 रन स्कोर किया था और 2 विकेट भी पिक किया था, तो इस स्मॉल लीग के नजरिए से काफी अच्छी पिक रहेंगी। बाकी सोर्ना अख्तर ने लास्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं कराई थी और बैटिंग भी नहीं आई, जिनको अब जीएल में ट्राई करके चलना, क्योंकि जब बॉलिंग का सियोरिटी नहीं है तो किस बात के लिए पिक करेंगे हम उनको, तो इस वजह से आप इनको जीएल में ट्राई करके चलना। बाकी बात करते हैं इधर से रुमाना अहमद 5 रन + 0 विकेट, 0 रन + 2 विकेट, 8 रन + 0 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच में 1 रन 1 कैवरेज और 2 विकेट, वहीं पर वेन्यू पर एक मैच में 5 रन 5 कैवरेज और 0 विकेट। देखिए रुमाना अहमद का भी बॉलिंग कंफर्म नहीं है, बट मैं अपने टीम में पिक कर चुका हूं क्योंकि एक अच्छी ऑलराउंडर है बांग्लादेश के लिए। इस वजह से राबिया खान आपकी टीम में CNVC के काफी अच्छे ऑप्शन होंगी, इन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्म किया, उससे पहले भी ये परफॉर्म करती आ रही है। बांग्लादेश की मेन स्पिनर में से एक है ये और नाहिदा अख्तर, इन्होंने 4 विकेट, 14 रन + 2 विकेट, 8 रन + 2 विकेट, 7 रन + 1 विकेट है, हेड टू हेड में एक मैच में 15 रन 15 कैवरेज और 2 विकेट, वहीं पर वेन्यू पर दो मैच में 10 रन 10 कैवरेज और 4 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी नाहिदा अख्तर 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट, हेड टू हेड में दो मैच में 1 विकेट और वेन्यू पर दो मैच में 3 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी सबिकुन नहर जैस्मिन की बात की जाए तो एक मैच खेला उसमें 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी यहाँ से बात करते हैं मारुफा अख्तर 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, हेड टू हेड में एक मैच में 3 विकेट और वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला इन्होंने। बाकी इनके बेंच पे रुबिया हैदर, सुल्ताना खातून, शोरीफा खातून, जहारा आलम, ये तीन अब चारों आपको बेंच पे दिखेंगी, इनमें से अगर कोई खेलता है तो इनका रिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी स्मॉल लीग में किन को पिक करके चलना है, ये देखिए सामने स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, दोनों टॉप ऑर्डर के लिए स्मॉल पिक अच्छी खासी पिक रहेंगी। इस्मत तंजीम इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से इनको अब जेल में ट्राई करके चलना। निगर सुल्ताना भी अच्छी ऑप्शन नहीं रहेंगे क्योंकि अपने आप को बैटिंग से डिमोट कर दे रही है, तो कोई फायदा नहीं बनता इनको लेने को, तो इनको अभी आप जेल में ट्राई करके चलना। रितु मोनी स्मॉल लीग के लिए अच्छी खासी पिक रहेंगी, सोर्ना अख्तर ने लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी, शायद इस मैच में करा दे तो ये भी इनका कंफर्म नहीं है, तो अभी तक अभी इनको जेल में ही पिक करके चलना। बाकी रुमाना अहमद स्मॉल लीग के लिए अच्छी खासी पिक रहेंगी, राबिया खान तो बाय डिफॉल्ट रहेंगी और नाहिदा अख्तर बाय डिफॉल्ट, सबिकुन नेहर जैस्मिन अच्छी खासी पिक है क्योंकि देखिए स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, सामने राइट हैंडर है, इस वजह से उनके सामने अच्छे खासे ओवर करा सकती है, तो इनको अपने टीम में डेफिनेटली पिक करके चलना। बाकी मारुफा अख्तर को पहली पारी में ट्राई करना, सेकंड इनिंग में इनको मिस करके जा सकते हो। अब मैच तो आपको बता दिया कौन सा खेलना है, अब कहां पर खेलना है ये भी आपको बता देता हूं, क्योंकि देखिए यहां पर मैं 1.5-2 साल से खेल रहा हूं, तो इस वजह से अच्छा खासा ऐप है, मैं पेड प्रमोशन नहीं है, मैं आपको जस्ट सजेस्ट कर रहा हूं, खेलना नहीं खेलना वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस मैच में मैं करने वाला हूं क्योंकि यहां पर इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है, जहां पर आप थोड़े बहुत इन्वेस्ट करके अच्छी खासी कार बाइक ये सब जीत सकते हो। सीरीज लीडर बोर्ड में आप जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, बाकी 10,000 का फ्री गिव रहता है 0 एंट्री फीस वाली, और 50 रुपए का 100% बोनस इजिबल वाली फ्री गिव रहता है। तो देखिए
यहाँ 20,000 रुपए तो आप ऐसे ही बचा ले रहे हैं। तो इस वजह से ये मेरे को अच्छा ऐप लगता है और जीएसटी टीडीएस वहां पर भी फ्री है ये, तो यहाँ से एक और फायदा हो जाएगा। बाकी एंट्री फीस दूसरे ऐप के मुकाबले बहुत कम है इस ऐप पे, और यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉ मिलता है अगर आपने विड्रॉ मारा है तो। बाकी डिपॉजिट ऑफर भी अच्छा खासा चल रहा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर डाउनलोड करना, चेकआउट कर लेना, अच्छा लगेगा तो खेल सकते हो। बाकी मेरा रेफर कोड यूज कर लेना, मेरे रेफर कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा फायदा हो जाएगा। लाइक मैं इन फ्यूचर कोई भी गिव अवे करूंगा तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, वही फ्री गिव अवे होगा। मलेशिया वुमेन्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो विनिफ्रेड डुरैन सिंघम, वैन जूलिया, एल्सा हंटर, माहिराज, इज्जत इस्माइल, एना हामिजा, हासिम नूर, इज्जतुल सफिया का, फिर एना नाजवा, स्वाभिक मानिवनन, ऐसा इलिसा, धनुषरी मोहनोनन, उसके बाद अमलीन सोरफिना, ये इनके मलेशिया वुमेन्स के प्रोबेबल प्लेइंग 11 है जो कि इस मैच में खेल सकती है। स्टार्टिंग ओवर आपको ए हामिजा हासिम, एस मानिवनन, उसके बाद डब्ल्यू डुराय सिंघम ने लास्ट मैच में कराए थे, और डेथ में आपको एम इजतनी इस्माइल, डब्ल्यू डुराय सिंघम और ऐसा एलिसा आपको डेथ में गेंदबाजी कराती दिख सकती है। चलिए इनके प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो डब्ल्यू डुराय सिंघम लास्ट मैच में 2 विकेट मिला था बट रन स्कोर नहीं कर पाई थी, उससे पहले 22 रन प्लस 1 विकेट, 0 रन प्लस 0 विकेट, 29 रन प्लस 1 विकेट हेड टू हेड में एक मैच में 5 रन स्कोर किए, 5 के एवरेज से और 2 विकेट उसमें पिक किया था इन्होंने। और वेन्यू पर बात की जाए तो 2 मैच में 22 रन, 11 के एवरेज से और 3 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, तो अच्छी खासी पिक रहेंगे आपके लिए। वैन जूलिया 3, 52, 24, 2, 8 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में यहाँ पर 55 रन है, 27 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। उसके बाद बात करते हैं एल्सा हंटर, 10, 22 रन प्लस 1 विकेट, 0 रन प्लस 0 विकेट हेड टू हेड में 1 मैच में 9 रन, 9 के एवरेज से और 0 विकेट। वहीं पर वेन्यू पर बात किया जाए तो 2 मैच में 32 रन, 16 के एवरेज से और 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी एम इजती इस्माइल की बात किया जाए तो 7 रन प्लस 1 विकेट, 0 रन प्लस 3 विकेट, 27 रन, फिर 6 रन, फिर 21 रन हेड टू हेड में 1 मैच में 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। वेन्यू पर 1 मैच में 3 विकेट पिक कर रखा है। देखिए ये आपको प्रॉपर 4 ओवर करा रही है, और डब्ल्यू डुराय सिंघम ये दोनों आपको प्रॉपर 4 ओवर करा रही है, तो आपको स्मॉल लिंग में इन दोनों को पिक करके चलना होगा क्योंकि अच्छे खासे चॉइसेस है ये। बाकी ए हामिजा हासिम की बात की जाए तो 3 रन प्लस 0 विकेट, 6 रन प्लस 0 विकेट, 1 रन प्लस 2 विकेट इन्होंने पास्ट में अच्छे खासे परफॉर्मेंस किया है, इस वजह से ये भी एक अच्छी खासी चॉइसेस रहेंगी क्योंकि 3 ओवर तो डेफिनेटली आपको कराकर दे ही रही है। इस वजह से नूर इजतुल सफिया का इनका देखिए बैटिंग ऑर्डर डिमोट हो जाता है, इस वजह से उतनी अच्छी चॉइसेस नहीं रहेंगी। इन्होंने 2 मैच में 0 रन स्कोर किया, उससे पहले 5, 14, 6 हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 1 मैच में 0 रन, 0 के एवरेज से। बाकी एना नाजवा की बात किया जाए तो 9, 5, 8 डीएनबी हेड टू हेड में 1 मैच में 5 रन, 5 के एवरेज से और वेन्यू पर 2 मैच में 14 रन, 7 के एवरेज से स्कोर कर रखा है इन्होंने। उसके बाद सुअबिका मानिवनन 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 2 मैच में 2 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी ऐसा एलिसा की बात करें तो 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 0 विकेट हेड टू हेड में 1 मैच में 0 और वेन्यू पर 2 मैच में 1 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी उसके बाद बात करते हैं धनुषरी मोहनोनन की, तो डीएनबी इन्होंने तो बॉलिंग नहीं कराया, 1 मैच में बॉलिंग कराया, बाकी किसी में इनको ना बैटिंग मिलती है ना बॉलिंग मिलती है। हेड टू हेड में 1 मैच खेला है और वेन्यू पर 1 मैच में 0 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। बाकी अमलीन सोरफिना की बात किया जाए तो 2 मैच में विकेट लेस, फिर 2 विकेट, फिर अगले 2 मैच में विकेट लेस रही थी। बाकी वेन्यू पर कोई मैच नहीं खेला है, बाकी उसके वेन्यू पर सॉरी हेड टू हेड में कोई मैच नहीं खेला और वेन्यू पर 1 मैच में 0 रन स्कोर किया इन्होंने। बाकी इनके बेंच पे ए जे इंतान, उसके बाद इर्दिना बे, एन नक्सिया, ए अबू जिमी, ये इनके बेंच पे दिखेंगी, अगर इनमें से कोई खेलता है तो इनका रिकॉर्ड आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए स्मॉल लीग में इनको ट्राई करके चलना है, तो डब्ल्यू डुराय सिंघम अच्छी खासी चॉइसेस रहेंगी। वैन जूलिया देखिए ये भी एक अच्छे खासी चॉइसेस रहेंगी क्योंकि सामने अगर कोई मान लीजिए अच्छा विकेट कीपर नहीं रहता है तो ये आपके लिए अच्छा खासा चॉइस हो सकते हैं क्योंकि ये आपको ओपनिंग बल्लेबाजी कर रही है तो रन स्कोर करने का चांस ज्यादा है इनके पास है। उसके बाद बात करते हैं एल्सा हंटर को जीएल में ट्राई करना, एम इस्माइल को आप स्मॉलिंग में ट्राई कर सकते हो, अच्छी खासी चॉइसेस रहेंगी। ए हासिम को भी आप स्मॉलिंग में ट्राई करके चलना क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से योगदान कर रही है। ए एन सफियाका को बात इनको आप जीएल में ट्राई करके चलना, उतने अच्छे प्लेयर नहीं है। ए नैना नाजवा को भी जीएल में ही, सुअबिका मानिवनन को स्मॉलिंग में टिकटक पिक है बट इन फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चलना। बाकी ऐसा एलिसा स्मॉल लीग के लिए अच्छी खासी चॉइस रहेंगी फर्स्ट इनिंग में बट इनको भी आप देखिए ऐसा एलिसा और मानी बनाने में से कोई एक ट्राई करना। धनुषरी मोहनानंद को इनको आप जेल में ट्राई करके चलना, उसके बाद अमलीन सोरफिना को भी आप जेल में ट्राई करके चलना। बाकी दोस्तों चलिए की प्लेयर्स की बात करते हैं, तो देखिए एम इस्माइल, डब्ल्यू डुराय सिंघम, रुमाना अहमद, निगर सुल्ताना, राबिया खान, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, ये 7 प्लेयर आपका टीम में बाय डिफॉल्ट होने चाहिए। हाँ
निगर सुल्ताना अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करते तब इनको ड्रॉप करके चलना है, क्योंकि अपने आप को बैटिंग से डिमोट कर रही है इस वजह से। बाकी सीएनबीसी में डब्ल्यू डुराय सिंघम, नाहिदा अख्तर और राबिया खान तीनों अच्छी खासी और चॉइसेस रहेंगी। देखिये मेरे कैप्टन तो नाहिदा अख्तर और राबिया खान में से कोई एक होगा, आप इनको भी कर सकते हो। बाकी ट्रंप प्लेयर की बात करते हैं तो देखिये मारुफा अख्तर, ऐसा एलिसा, इन दोनों में से जिसकी भी टीम पहली पारी में गेंदबाजी करे उनको स्मॉल इनिंग में बाय डिफॉल्ट पिक करके चलना। मुर्शिदा खातून को अब दोनों इनिंग में ट्राई करके चलना, अच्छी खासी चॉइसेस रहेंगी। बाकी दोस्तों अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो, क्योंकि वहां पर हम अपने दूसरे मैच का वीडियो अपलोड करेंगे जो मैचेस हम यहां पर कवर नहीं कर पाते। तो जो भाई वीडियो देख के टीम बनाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा खासा अवसर प्रदान मैं कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो देखो, टीम बनाओ, तुक्के पर टीम बनाओगे हारोगे। बाकी 100 लीग में हम काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने वाले गारंटी है वो। तो बाकी चलिए अब टीम डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमने विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी के लिए निगर सुल्ताना को ले रखा है, मैं इनको ड्रॉप करके डब्लू जूलिया को भी ट्राई कर सकता हूँ। बाकी ये तो मुर्शिदा खातून और रितु मोनी तो बाय डिफॉल्ट रहेंगी। बाकी डब्ल्यू डुराय सिंघम, एम इस्माइल, एस अख्तर को मैंने अभी तक के लिए ट्राई किया। देखिए ये और रुमाना अहमद में से कोई एक बॉलिंग कराएगा, जो भी कराएगा मैं उनको टीम में पिक कर लूंगा। इन्होंने पहले मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, इस वजह से मैंने इनको ट्राई कर रखा है। उसके बाद ए हामिजा, बाकी बॉलर चारों मैंने बांग्लादेश को पिक कर रखा है, एन अख्तर, एम अख्तर, उसके बाद राबिया खान, एस नहर, जस्मीन को भी ट्राई कर रखा है। बाकी कैप्टन से मैंने एन अख्तर को और वाइस कैप्टन से मैंने राबिया खान को दे रखा है। बाकी ये है मेरी अभी के लिए डेमो टीम, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बूम इलेवन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार चेकआउट कर लेना, खेलना नहीं खेलना वहां पर डिपेंड करता है। बाकी वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।